हेलो, दिस इज अभिनेश शर्मा है ना। वेलकम यू ऑल टू द क्राउन सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, राजस्थान पीसीएस की सीरीज में हम हिस्ट्री का स्टैटिक पार्ट कवर कर रहे हैं, स्पेशल राजस्थान का, जिसमें हमने पुरातात्विक स्थानों के बारे में, जो पुराने स्थान है उनके बारे में डिस्कशन किया था। उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे उनको डिस्कस किया था। मैं आपको शो भी करता हूँ, ये देखो जितने भी टॉपिक्स थे इनको हमने डिस्कस किया। बेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको भी हमने इसमें साथ में डिस्कस किया था दोस्तों। अब आज के लेक्चर में हम इससे आगे का अपना चैप्टर कवर कर रहे हैं, पुरातात्विक स्रोत। जो पहले हमने स्थान पढ़े उन स्थानों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिली, उन स्रोतों का पता कैसे चला, उन शिलालेखों के बारे में, अभिलेखों के बारे में, किसने इनकी रचना करी, इनके बारे में हम कवर करेंगे। धीरे धीरे करके अपना स्टैटिक पोर्शन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, राजस्थान की स्पेशल, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स कवर कर लेंगे। और मेन हमारा टारगेट क्या है, आपका पीसीएस का एग्जाम, जो कि राजस्थान पीसीएस को लेकर है, ठीक है। आरएएस वाला एग्जाम हमारा मेन फोकस, इसको हम कवर करते चलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर, और इसमें मैं आपको शो करता हूँ। देखो, घोसुंडी शिलालेख है हमारा आज का पहला टॉपिक, ठीक है। चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है, और यहाँ पर जो भाषा है ना दोस्तों, रुको मैं आपको फुल पेज पर दिखाता हूँ कि यहाँ पर जो भाषा है वो संस्कृत है और लिपि यहाँ पर ब्राह्मी है। अब ये चीज आप ध्यान में रखना, क्योंकि संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि ये आगे भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, कि घोसुंडी शिलालेख तो चित्तौड़गढ़ से प्राप्त हुआ है, लेकिन जो भाषा यहाँ पर यूज हुई है वो अन्य शिलालेखों में भी कई बार इस तरह की भाषा इस्तेमाल हुई है, जिसमें भाषा संस्कृत हो गई और लिपि हो गई ब्राह्मी, ठीक है। और दोस्तों, घोसुंडी शिलालेख के बारे में जो सबसे पहले अध्ययन किया वो डॉक्टर डी आर भंडारकर ने किया। देखो, जो भी मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, कुछ भी फालतू नहीं बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा नहीं बता रहा हूँ, जितना एग्जाम्स में क्वेश्चंस पहले बने हुए हैं और जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आगे बन सकते हैं, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, आप इस सीरीज को पूरा कर लोगे तो आप फाइट में जरूर रहोगे। जबरदस्त सीरीज मैं ये चला रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो स्टडी करी घोसुंडी शिलालेख के बारे में डॉक्टर डी आर भंडारकर ने की, और राजस्थान में जो वैष्णव संप्रदाय है, ठीक है, सबसे प्राचीन या अभिलेख है जो इसके बारे में जानकारी देता है। यानी कि इस लेख में अगर ओवरऑल आप देखो तो घोसुंडी का शिलालेख सबसे पहले डी आर भंडारकर द्वारा पढ़ा गया, और ये राजस्थान में वैष्णव या भागवत संप्रदाय से संबंधित सबसे ज्यादा प्राचीन यानी कि पुराना अभिलेख है, ठीक है। इस लेख का जो इम्पोर्टेंस है, द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में भागवत धर्म का प्रचार, सकर्षण, वासुदेव की मान्यता और अश्वमेध यज्ञ का प्रचलन यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों, ये था। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, क्वेश्चन आपको पूछ लेगा घोसुंडी शिलालेख कहाँ पर है, तो कहाँ पर है दोस्तों, देखो चित्तौड़गढ़ में ही आता है, ठीक है। दूसरा, घोसुंडी शिलालेख की भाषा के बारे में पूछ लेगा तो संस्कृत और ब्राह्मी, और पूछ लेगा कि राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ, तो प्राचीनतम अभिलेख जो है ना ये घोसुंडी से मिला है, किसका, संस्कृत का। लिपि के बारे में पूछ लेगा ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ये पूरा था। इसके बाद जो हमारा अगला शिलालेख है दोस्तों वो कीर्ति स्तंभ के बारे में है, ठीक है, राणा कुंभा से रिलेटेड है ये कीर्ति स्तंभ का, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लेख है ये, राणा कुंभा की उपलब्धियों का इसमें पता चलता है, और ग्रंथ है चंडी शतक, संगीत राज, गोविंद राज, गीत गोविंद का टीका। तो इस प्रशस्ति में इन तीनों ग्रंथों आदि प्रमुख ग्रंथों का उल्लेख मिलता है। इस प्रशस्ति में कुंभा को जो है अभिनव भारतराज, भारताचार्य, हिंदू सुल्तान, राय रायन, राणो रासो, छपगुरु, दानगुरु, राजगुरु, शैलगुरु, इन सब उपाधियों से पुकारा था। इसके अलावा दोस्तों, राणा कुंभा की उपलब्धियां, उसके द्वारा रचित ग्रंथों का विस्तार, इन सब का वर्णन यहाँ पे मिलता है, और इसमें श्लोक जो है 3 से 8 तक जो है इसमें बापा का वर्णन हुआ है और उसके बाद में हमीर का वर्णन हुआ है। चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ की शिलाओं पर यह मिलता है, और इसमें जो प्रशस्तिकार थे वो कवि अत्री थे, लेकिन ये पूरा नहीं कर पाए, इनकी डेथ हो गई, उसके बाद में इनके बेटे महेश भट्ट ने इसको पूरा किया दोस्तों, ठीक है। इसमें सवाल बन जाता है कीर्ति स्तंभ की प्रशस्ति की रचना किसने करी, तो कवि अत्री और महेश भट्ट दोनों का नाम साथ में आ सकता है ऑप्शन में जो होगा। इसके अलावा किस प्रशस्ति के रचयिता अत्री और महेश थे, ऐसे भी पूछ लेगा, है ना, कीर्ति स्तंभ के बारे में। चलो,
इसके बाद जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट शिलालेख के बारे में हम जानेंगे वो देखो चीरवे का शिलालेख है। इसकी जो लोकेशन है उदयपुर में बड़गांव तहसील है, वहां पर चीरवा गांव है, और जो टाइम पीरियड था 1273 से 1330 ईस्वी के बीच की ये कहानियां बताता है। चीरवा गांव के शिलालेख में मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासकों की उपलब्धियां, ठीक है, इसमें जैत्र सिंह, तेज सिंह और समर सिंह की उपलब्धियों का पता चलता है। भुवन सिंह सूरी के शिष्य हैं, रत्न प्रभु सूरी, इन्होंने इसकी रचना करी, ठीक है, लेकिन रत्न सूरी के शिष्य पार्श्वचंद ने इसको सुंदर लिपि दी है, ठीक है, और शिल्पी देहड़ ने इसको जो है वॉल पर लगाया है, यानी कि दीवार पर लगाया है, इसका उत्कीर्णन या फिर इसका जो है ना स्थापना एक तरह से कह सकते हो आप। ये चीखे नहीं है दोस्तों, आप ध्यान देना यहाँ पर, ये लग रहा होगा आपको, लेकिन ये चीरवे है, ठीक है, चीरवे का शिलालेख है ये। चलिए इसमें भी क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसे कि चीरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है, तो मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासकों की उपलब्धि ये बताता है, ठीक है। फिर दोस्तों अगला जो हमारा शिलालेख है वो राज प्रशस्ति समन 1676 से 1732 का टाइम पीरियड इसमें है। तो देखो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति रणछोड़ भट्ट तेलंग ने मेवाड़ महाराजा राज सिंह के आदेश से राजसमंद झील की 9 चौकी पालकी ताकों में 25 काले पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं पर संस्कृत में 24 सर्गों में उत्कीर्ण की। यहाँ पर 1106 श्लोकों का उल्लेख है, और इससे पता चलता है कि राजसमंद का निर्माण 14 सालों में दुष्काल के समय श्रमिकों के लिए काम निकालने के लिए कराया गया था। हमारे देश के सबसे बड़े शिलालेखों में पाषाण पट्टिकाएं जो है 9 चौकी की, दोस्तों 9 चौकी की पाल की ताकों में लगी हुई है, ठीक है, 17वीं शताब्दी के इतिहास की पर्याप्त जानकारी यहाँ से मिलती है, और महाराणा अमर सिंह द्वारा एक संधि की गई थी जिसे मुगल मेवाड़ संधि कहा जाता है, इसका वर्णन इसमें है, लेकिन इसका जो ऐतिहासिक यूज है वो जगत सिंह और राज सिंह के कार्यकाल में हुआ, ठीक है। दोस्तों सवाल इसमें बनेंगे कि किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि को लेकर क्वेश्चन बन जाएंगे, राज प्रशस्ति का टाइम पीरियड पूछ लेगा कितना है, ठीक है, ये सारी चीजें। इसके बाद में दोस्तों आपका आता है बिजोलिया का लेख। अब बिजोलिया का लेख जो है लोकेशन इसकी भीलवाड़ा आप कह सकते हो, तो ये जो लेख है बिजोलिया गांव के पार्श्वनाथ मंदिर के पास, ठीक है, एक चट्टान पर उत्कीर्ण है ये, और इस लेख में अजमेर और सांभर के चौहान वंशीय शासकों को वत्स गोत्रीय बताते हुए वंशावली की उपलब्धि दी गई है। ये जो लेख है दिगंबर जैन श्रावक है एक, ठीक है, दिगंबर जैन श्रावक है लोलाक, पार्श्वनाथ मंदिर में कुंड निर्माण की स्मृति में लगा ये, ठीक है, लोलाक द्वारा लगाया गया बिजोलिया का लेख, ठीक है, चौहान वंशीय शासकों के बारे में बताता है ये, और दिगंबर जैन श्रावक लोलाक ने पार्श्वनाथ के मंदिर और कुंड के निर्माण की स्मृति में से लगाया था, और शिलालेख से ज्ञात होता है कि विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को अपने अधीन किया था। अब इससे क्वेश्चन पूछ लेगा आपके, कई बार सवाल इसमें बन जाते हैं, जैसे बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है, तो चौहान वंश के बारे में ये बिजोलिया अभिलेख का टाइम पीरियड पूछ लेगा। किस शिलालेख से चौहान राजवंश की वंशावली के बारे में पता चलता है, तो देखो वंशावली का पता चलता है बिजोलिया लेख से, ठीक है। और दोस्तों सांभर झील के निर्माण के साक्ष्य भी इस शिलालेख से मिलते हैं, और इसमें क्या इंपॉर्टेंट मिलता है कि ये जो लोकेशन है देखो जाबलपुर को इस शिलालेख से पता चलता है कि जाबलपुर को पहले जालौन कहा जाता था, शाकंभरी को सांभर, श्रीमाल को भीनमाल, मांडलगढ़ को मांडलगढ़, और इसके अलावा विद्यवल्ली इसको बिजोलिया कहा जाता था, ठीक है दोस्तों। चलिए इसमें सवाल बना देगा जाबलपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है, जाबलपुर की आधुनिक पहचान क्या है, तो जालौर है आधुनिक पहचान, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश काल का है, तो देखो सोमेश्वर के काल का। मैं एक चीज यहाँ पर जो है ये मेंशन करना शायद रह गई, मैं हैंड टू हैंड इसको मेंशन कर देता हूँ कि बिजोलिया शिलालेख यहाँ पर जो नरेश कौन थे, दोस्तों यहाँ पर जो है सोमेश्वर थे नरेश, एक सेकंड हैंड टू हैंड लिख भी देता हूँ, ये कंप्लीट हो गया।
इसके बाद में दोस्तों और क्या इसमें हम जान सकते हैं, सवाल बना देगा कि जालौर के बारे में, आबू के बारे में इससे पूछ सकता है रिलेटेड। इसके बाद में दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट शिलालेख है, छोटा टॉपिक है ये, नैमिनाथ आबू के मंदिर की प्रशस्ति के बारे में पूछ लेगा, सोमेश्वर देव द्वारा रचना की गई, और ये जो है ना सुरथोत्सव काव्य के लेखक भी है, इससे क्वेश्चन बना हुआ है सुरथोत्सव काव्य से, ये सुरथोत्सव काव्य के लेखक कौन है। 1230 ईस्वी का टाइम पीरियड है, और यहाँ पर जो ना परमारो, वस्तुपाल और तेजपाल वंश की जानकारी मिलती है। इसके बाद में आता है दोस्तों आपका राय सिंह प्रशस्ति शिलालेख, बीकानेर में 1594 का इसका टाइम पीरियड है। इसके रचयिता है जैता जैता जादूता, ठीक है, और राव बीका सिंह से राय सिंह तक के बीकानेर शासकों की जानकारी यहाँ से मिली। यहाँ पर जो है बीकानेर दुर्ग का निर्माण हुआ, इसको लाल पत्थर से बनाया गया, इसीलिए इसका दूसरा नाम लालगढ़ और जूनागढ़ भी है, ठीक है, लालगढ़ और जूनागढ़ भी है। इसके बाद जो हमारा अगला शिलालेख है वो घटियाला का शिलालेख है, इंपॉर्टेंट है ये घटियाला का शिलालेख। इसका जो टाइम पीरियड है दोस्तों 1861 ईस्वी है, ठीक है, और ये जो लेख है जोधपुर के पास में घटियाला में एक स्तंभ उत्कीर्ण है, वहां पर ये उत्कीर्ण है, ठीक है। इसमें प्रतिहार नरेश कक्कू का यशोगान, यानी कि न्यायप्रिय जनहित का संपदान, वीर व साहसिक शासक इनको बताया गया है, उनकी वंशावली रोहल सिद्धि से लेकर कक्कू तक के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। यहाँ पर भी लैंग्वेज, देखो मैंने पहले भी बताया था आपको कि लैंग्वेज को लेकर काफी चीजें आगे भी आपको देखने मिलेंगी। यहाँ पर भी लैंग्वेज जो है संस्कृत और भाषा संस्कृत और प्राकृत है। इस लेख में जो है मग जाति के ब्राह्मणों का उल्लेख मिलता है, और इसके जो रचयिता है दोस्तों वो मग है, और उत्कीर्णता है इसके सुवर्णकार कृष्णेश्वर, और ये जो उत्कीर्णन हुआ था ये करवाया था कक्कू ने, ठीक है दोस्तों। इन्हें शाकद्वीपीय ब्राह्मण भी कहा जाता है, जो ओस वालों के आश्रित रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, और यहां से यानी कि घटियाला शिलालेख से मंडोर प्रतिहार के वंश की जानकारी मिलती है। सवाल यहां पर बन सकता है कि घटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया था, वो अभिलेख जो प्रतिहार शासक कक्कू की अभीरों पर विजय का दावा करता है, तो घटियाला शिलालेख है, किस शासक से संबंधित है प्रतिहार कक्कू, इससे किस वंश की जानकारी प्राप्त होती है, किस तरीके से क्वेश्चन ये बना सकता है, ठीक है दोस्तों। चलिए तो ये कुछ पूरा टॉपिक था, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। इसके अलावा दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा, बाकी ये राजस्थान पीसीएस की जो सीरीज हमने चलाई हुई है ये आपको समझ में आ रही है, जरूर इसके बारे में आप अपना फीडबैक देना। बाकी ये भी बताना और इसमें क्या चाहिए आपको, क्या अपडेट हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का समीक्षा अधिकारी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो वो भी सीरीज हमने चलाई हुई है, और साथ ही आप लोग अगर हिस्ट्री कवर करना चाहते हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, आप ही देखो एंशियंट हिस्ट्री का बेहतरीन तरीके से हमने कवर किया हुआ है। मेंस की आंसर राइटिंग भी हमने अच्छे से कर रखी है, तो आप लोग इसको भी पढ़ सकते हो, अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये पुरातत्व स्रोत के बारे में आज के हमारे कुछ टॉपिक्स थे, अगले लेक्चर में हम ये वाला चैप्टर अपना कंप्लीट कर लेंगे, धीरे धीरे करके अपनी सारी सीरीज हम कवर कर लेंगे। पढ़ते रहो आप दोस्तों, अपनी तैयारी करते रहो, इसी तरीके से शाम को आपको ये लेक्चर देखने को मिल जाया करेगा। बाकी जो लोग नए हो जुड़ जाओ चैनल से, सब्सक्राइब कर लो ताकि आए को आपको जो भी अपडेट्स रहेंगी एग्जाम से रिलेटेड, पीसीएस और आईएएस से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स रहेंगे उनको हम पढ़ाते रहते हैं, कवर करते रहते हैं टॉपिक्स को, पढ़ते रहो अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।